नमस्कार दोस्तों, अपने पीछे खड़ी है कमांडो सैंड कलर की न्यूली लॉन्च्ड, बोल सकते हैं अपडेटेड क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड वालों की ये बाइक बहुत ही शानदार लग रही है यार। और एक बात बताऊं, अब कल रात आई है और आज बुक होकर जा भी रही है, तो मैंने कहा इससे पहले जाए मैं वीडियो बना लूँ। सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ कि क्या क्या चेंज करके भेजे हैं कंपनी ने इस वाली मोटरसाइकिल पे। और दोस्तों इस कलर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऑन रोड प्राइस बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, माइलेज क्या देगी, तो बने रहो वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तो भैया पहले एक प्यारा सा लुक देख लो चारों तरफ से बाइक का, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है इस कलर में, मतलब फौजी कलर बोल सकते हैं, कमांडो सैंड, जैसे कमांडो रखा है ना नाम, तो एक कमांडो फौजी से, फौज से रिलेटेड वर्ड रखा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन लोगों ने क्या करा है, डार्क ग्रीन को और येलोइश मिश करके बहुत अच्छा लगा, जैसे आपका पुलिस वालों की यूनिफॉर्म होती है और ये डार्क वाला ग्रीन कर दिया, तो इस तरह से कर्व में टैंक को करा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और क्रोम कलर का इसका लिड रखा है और साइड में छोटा सा बैज दिया है रॉयल एनफील्ड का, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसमें लिखा है मेड लाइक गन करके रॉयल एनफील्ड लिखा है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। और नीचे की तरफ जो उसके इधर से समझो आप, नीचे की तरफ लिखा है रॉयल एनफील्ड 42-1194 करके ये नंबर लिखा हुआ है। थोड़ा साइड पर जाते हैं, इस वाले काउल पे इस टाइप से बनाए जिगजैग टाइप का है ना, दो कलर का मिश्रण है, एक तो लाइट ग्रीन बोल सकते हो इसको, एक डार्क ग्रीन है ना, इस टाइप का फौजी कलर बोल सकते हैं इसको। और फिर साइड वाले काउल पे ये लिखा है, देखो प्यारा सा लिखा हुआ है क्लासिक 350। ये बैजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, स्टिकरिंग है दोस्तों मैं बता दूं। और जो ये वाला बैज है ये थोड़ा सा 3D में चिपकाया हुआ बैज है, लिखा हुआ बैज नहीं है, राइट, ये कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर फ्रंट की तरफ आ जाते हैं, ये ब्लैक कलर से इसकी रिंग है, राइट, ये भी अच्छा लग रहा है, मैं कलर के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर भी इन लोगों ने उसके मदगार्ड के ऊपर, मेटल का मदगार्ड है, यहाँ पर भी इन लोगों ने कलरिंग का खेल खेला है, लाइट ब्लू डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन, मतलब वही फौजी कलर बोल सकते हैं, ये तो कलर का कॉम्बिनेशन है। एक बार मैं पीछे से भी दिखा देता हूँ, पीछे वाले मदगार्ड पे भी उसी टाइप के पैटर्न रखा है, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का स्टिकर्स आ जाता है। अब बात कर लेते हैं चेंजेस के कंपनी ने, अब जो 2024 में आप 1 सितंबर को जो लॉन्च की थी उसमें नई वाली आपकी जो क्लासिक 350 है उसमें क्या चेंज करके भेजा है। देखो सबसे बड़ा चेंज जो है वो आपकी LED हेडलाइट लैंप सेटअप को लेकर है। देखिए पूरी तरह से LED में कर दिया है इसकी हेडलाइट को, और यहाँ पर पहले क्या था, अभी तक तो नहीं कर रहे थे, लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इसके जो पायलट लैंप हैं, टाइगर लैंप हैं, कंपनी इसको LED का कर देगी, लेकिन अब आपको LED में देखने को मिलेंगे, राइट। इंडिकेटर्स इस वाले वेरिएंट में आपके सेम वही एज इट इज़ पहले जो आते थे वैसे ही हैलोजन टाइप के देखने को मिलेंगे, राइट, यहाँ नंबर प्लेट लगेगी। और सस्पेंशन को भी जो है आपका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है 41mm के, वो भी कवर किया है अच्छे से मेटल से कवर किया है, ताकि डस्ट वगैरह सस्पेंशन में ना जाए। जो आपकी गाड़ी की ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, आगे और पीछे डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग हो जाती है गाड़ी की, इधर से समझिए 300mm का आगे का डिस्क ब्रेक हो जाता है बाइबरी का, ये देखिए, और पीछे आपका 270mm का बाइबरी का ही डिस्क ब्रेक हो जाता है। डिस्क ब्रेक तो मतलब एक कॉमन सी चीज़ है, प्लस डुअल चैनल ABS हो जाती है ये गाड़ी, राइट, प्लस इसका इंजन और आपका ये वाला जो साइलेंसर वाला एरिया होता है पूरी तरह से मैट फिनिशिंग के साथ ब्लैक कलर से कोट कर रखा है, ये भी काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है गाड़ी को। देन अगर ब्रेकिंग की बात करूँ तो लीवर्स पे आपके ये रबर के पैड और फोल्डेबल फुटरेस्ट इधर उधर के, और ये काउल को आप खोल सकते हो चाबी की मदद से, एक तरफ बैटरी लगी हुई और एक तरफ कपड़ा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। गाड़ी में आपको किक देखने को नहीं मिलेगी, ये देखिए। वहीं पीछे की बात करूं तो पीछे भी गाड़ी में लाइटिंग में और इंडिकेटर्स में इस वाले वेरिएंट में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिस तरह से पहले क्लासिक में आता था अभी भी वैसे के वैसे ही मिलेगा, हैलोजन में बल्ब के साथ बैकलाइट और हैलोजन में ही इसके इंडिकेटर, यहाँ नंबर प्लेट लगेगी। बाकी अब बात वीडियो को पॉज करके बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की। देखिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कोडिया ऑटो सेल्स रामघाट रोड अलीगढ़ पर। यहाँ के इस गाड़ी के टोटल ऑन रोड कॉस्ट हो जाते हैं 2,60,000 रुपये, 2,60,000 रुपीज़ की ये पूरी तरह से आपको ऑन रोड पड़ जाने वाली है। कलर इतना मतलब कह सकते हैं डिमांडिंग कलर है कि आप सोच सकते हैं कि रात आया और अभी ही बिक गया है ना, मतलब इसको गन मेटालिक वाला जो कलर आता है इसका वो भी ज़्यादा बिकता है, इसका क्लासिक का बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। यहाँ पर आपका क्रैश गार्ड देखने को मिल जाता है, गाड़ी में किक देखने को नहीं मिलती। अगर ब्रेकिंग की बात करूँ तो गाड़ी की ब्रेकिंग तो मैंने बताया ज़बरदस्त हो ही जाती है। टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं, अब वो टायर जो है आपको ट्यूबलेस इसमें टायर देखने को नहीं मिलेंगे, ट्यूब्ड में टायर देखने को मिलेंगे। टायर की अगर प्रोफाइल की बात करूँ तो आगे का जो टायर है आपको 100x90
19 इंच के व्हील साइज़ के साथ देखने को मिलेगा स्पोक्स में। अब बात ये आती है कि ये जो है एलॉयल्स में कन्वर्ट हो सकता है, एलॉयल्स में कन्वर्ट हो सकता है, उसकी डिटेल के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दे रखा है, उस पर बाकी की जानकारी उस फ़ोन नंबर पर ले सकते हो। आई थिंक 16,500 रुपये का अगर ट्यूब का टायर का भी लगा लो तो 20,000 रुपये का खर्चा है कि आपका एलॉयल्स में वो पूरी तरह से गाड़ी कन्वर्ट हो जाएगी। देन साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड भी गाड़ी में देखने को मिलता है। साइड स्टैंड में इंजन पावरगट वाला सेंसर, यानी कि आप थीम देख लो, आप पूरी तरह से ब्लैक रखी है कंपनी ने थीम, एलॉयल्स जो आपके रिम का कलर है वो भी ब्लैक, इंजन का वो भी ब्लैक, ये वाला पोर्शन भी ब्लैक, आपका साइड स्टैंड जो क्रोम में आता है वो भी ब्लैक आपको देखने को मिलता है, राइट। और वो आपका जो मफलर है, साइलेंसर है, वो भी ब्लैक कंपनी ने रखा है, ये देख लो बढ़िया हो जाता है। और पीछे वाले टायर का साइज़ 120x80 और 18 इंच के व्हील साइज़ के साथ देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं इसकी गाड़ी की कर्व वेट की बात करूं तो गाड़ी का जो कर्व वेट है 195 kg का गाड़ी में कर्व वेट आपको देखने को मिलेगा। और सीट हाइट जो है गाड़ी की 810 mm की सीट हाइट आपको देखने को मिलेगी। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो आपको गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं ना तो भाई साहब धच्चे वगैरह पे नहीं लगता इसका इंजन वगैरह, मतलब इतना सेट इन लोगों ने ग्राउंड क्लियरेंस बना रखा है। अब पास से ना भाई साहब मैं आपको टायर विजिट करा देता हूँ, अच्छी क्वालिटी के बढ़िया चौड़े टायर लगे हैं। पीछे वाला टायर देखो आपको, ये देखो है ना चौड़ा, थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई, देखो चौड़ापन कितना है, ये घुमाकर दिखाऊं आपको। अगर आप एलॉयल्स में करा सकते हो तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे वाले शॉकर हैं, शॉक एब्जॉर्बर 6 टाइम एडजस्टेबल आपके ये आपके शॉकर मिल जाते हैं पीछे वाले। आगे तो आपके वही है टेलीस्कोपिक फॉर्क, और टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन के ऊपर आपको ये रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट दी गई है। और ये देखो मदगार्ड को कितनी मजबूती से लगाया गया, ताकि बल मजबूती तो खैर होती है रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंजन तो दोस्तों वही आपका वाइब्रेशन फ्री देखने को मिल जाता है, 349 cc का 20.2 bhp की पावर इसके अंदर देखने को मिलती है, और 27 Nm का टॉर्क इस इंजन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। वहीं आप की मैं बात करता हूँ इसके हैंडल की और मीटर कंसोल की, इस टाइप का पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी और कंफर्टेबल हो जाती है। यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच और सेल्फ का स्विच देखने को मिल जाता है। ये हज़ार्ड ऑप्शन, चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं, देख सकते हैं आप लोग, देखिए चारों इंडिकेटर आपको एक साथ जलते हुए दिखाई देंगे। और वहीं मैं बात करूँ यहाँ वाले स्विच की, ये आपको हाई बीम लो बीम पासिंग का स्विच इसमें देखने को मिलता है, मीटर कंसोल को ऑपरेट करने का मिल जाता है ये इंडिकेटर, और ये हॉर्न का देखने को मिलता है। हॉर्न आपको गाड़ी में सिंगल ही देखने को मिलेगा। और जो दूसरा बदलाव गाड़ी में किया गया नेक्स्ट चेंज, यहाँ पर अब आपको इस वाली प्लेट में गियर का इंडिकेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ ऑडोमीटर, ट्रिप और सर्विस रिमाइंडर भी इसमें देखने को मिलता है, मैं दिखा सकता हूँ, देखिए ध्यान से दिख रहा है आपको। और टाइमिंग भी इसमें देखने को मिलेगा, न्यूट्रल, इंडिकेटर, बैटरी और ABS और मालफंक्शन का, और ये आपको देखने को मिल जाता है फ्यूल वाला गेज, ठीक है। और ये आपको निडल मिल जाती है कौन सी, जिसमें कि आप स्पीड देख सकते हो 160 की स्पीड है। और नेक्स्ट टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ पर जो है ट्रिपर मीटर भी देखने को मिलता है, जो कि इस वाले वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलता है। इसमें लिखा है रॉयल एनफील्ड आर क्लासिक 350। एक चेंज और हुआ है वो मैं आपको दिखाऊं, देखिए इसकी जो ब्रेकिंग वाली जो डिब्बी है इसके ऊपर ये वाला जो स्टीकर है ये भी चेंज करा है कंपनी ने भाई साहब, देख रहे हो आप। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखाओ किस किस का फेवरेट कलर है, ये मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सच में। एक तो रेड अच्छा लगा मुझे इस वाले का, एक ये सच में रियली बता रहा हूँ बहुत ही प्यारा और बहुत ही अट्रैक्टिव कलर लग रहा है मेरे को ये। लेते हैं माइलेज की, देखिए ये है इसका फ्यूल टैंक E20 सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है, 13 लीटर के अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और माइलेज आपका 30 से 35 तक का जाता है। सीट कटिंग में देखने को मिल जाती है, ये देखो है काफ़ी कंफर्टेबल सीट इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है, बाकी बढ़िया हो जाता है। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी तो पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब आराम से देता हूं, और ऐसा कोई नहीं है मैं किसी कमेंट का जवाब नहीं देता हूं, देता हूं हर कमेंट का जवाब जो एक वैल्यूबल लगता है, जो देने लायक लगता है मैं पक्का देता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।